हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाएंगे ब्रेड पोहा या मसाला ब्रेड। सुबह सुबह की भाग दौड़ में ब्रेकफास्ट बनाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम नहीं मिलता है। तो आपके पास ब्रेड हो तो ये 5 मिनट में बन जाएगा। आइए इसका प्रोसेस देखते हैं। हमें ब्रेड ले लेनी है। मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड ली है और इसे इस तरीके से छोटे छोटे स्क्वायर्स में आप कट कर दीजिए। इसके साइड्स हमें रखने हैं। मैंने यहाँ पे ऊपर और नीचे की जो ब्रेड होती है वो भी साथ में ले ली है, क्योंकि इसमें हम पानी स्प्रिंकल करते हैं, उससे वो ब्रेड जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके के 6 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के और इसे छोटे छोटे स्क्वायर्स में कट कर दूंगी। आप चाहे तो इसे हाथ से भी तोड़ सकते हैं। स्क्वायर में कट करने से ये यूनिफॉर्म दिखता है, इसके लिए मैंने कट किया। अब यहाँ पे वेजेस ले लिए हैं। स्प्रिंग अनियन है, ग्रेटेड कैरेट है, हरी मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्ची है। वेजेस में आप जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ी सेव भी ली है ऊपर से गार्निशिंग के लिए। थोड़ा सा पानी डाल के मैं ब्रेड को सॉफ्ट कर दूंगी। हमें इस पर थोड़ा सा पानी सिर्फ स्प्रिंकल करना है, ज़्यादा नहीं डालना है, ये सॉफ्ट हो जाएगी। अब एक पैन के अंदर हम ऑलिव ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो कोई भी नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और ये जैसे ही गर्म होगा थोड़ा सा हम इसके अंदर जीरा और कड़ी पत्ता डाल देंगे। हरी मिर्च स्लिट की हुई डाल देंगे। हरी मिर्च को आप बारीक कट करना चाहें तो वो भी कट कर सकते हैं, या क्रश करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अदरक और लहसुन भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जो अनियंस हैं वो कट किए थे वो डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे एक बड़ा अनियन ले लिया था और उसे इस तरीके से चॉप कर दिया है। अब हमारी ब्रेड भी भीग गई है, इसे हमें 2 या 3 मिनट के लिए ही भिगोना है। इसके अंदर पहले हम मसाला डाल देंगे, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे। अब हम इसको ऊपर नीचे कर देंगे ताकि मसाला है वो अच्छे से ब्रेड में कोट हो जाए। तो इस तरीके से आप स्पून से ऊपर नीचे इसे कर दें। और यहाँ पे अब हमारा अनियन भी थोड़ा सा सॉटे हो गया है, तो अब हमें कैप्सिकम डाल देनी है और टमाटर डाल देना है। टमाटर आप बीज निकाल के फिर कट करें। बीज के साथ डालेंगे तो ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम मसाला और डालेंगे, रेड चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर मतलब धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मसाला हम प्याज टमाटर और इसकी कैप्सिकम जितना ही डालेंगे, और थोड़ा सा नमक डालना है इसी के जितना, क्योंकि ब्रेड में ऑलरेडी नमक होता है। और अब हम यहाँ पे ग्रेटेड कैरेट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि ब्रेड होती है तो ये वेजेस थोड़े क्रंची ही अच्छे लगते हैं। अब हम ब्रेड डाल देंगे इसके अंदर और इसे इस तरीके से ऊपर नीचे कर देंगे और 1 या 2 मिनट के लिए इसे हम कुक करेंगे, क्योंकि ब्रेड ऑलरेडी कुक्ड होती है और वेजेस हमें क्रंची रखने हैं। तो इसे हमें इस तरीके से 2 या 3 मिनट तक कुक करके इसमें लेमन जूस ऐड कर देना है। मसाले, लेमन जूस, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर पीनट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये रेडी है हमारा ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर टैप करें जो सब्सक्राइब बटन के पास ही होता है। अब हम इसके अंदर धनिया डाल देंगे और जो स्प्रिंग अनियन कट किया है वो डाल देंगे, ताकि इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर भेल की जो सेव होती है बारीक वाली नायलॉन सेव, वो स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे मिक्सचर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और अब हम इसे सर्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।